फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का मौसम है और मैं नहा ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम है। देखिए कितनी हरियाली दिख रही है मेरे चारों तरफ। जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली यार मन को मोह लेती है। और ये आप ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बैक साइड मैं ढंग से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैक साइड में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में राज रिसोर्ट के बारे में, ये राज रिसोर्ट का बैक हिस्सा है। जो देखिए, मैं रोड से बहुत अंदर रहती हूँ, लेकिन देखिए आप अनुमान लगा सकते कि मेरे घर तक भी राज रिसोर्ट का बैक एरिया है। तो आज मैं आपको मंदिर लेकर चलूँगी, तो चलते हैं। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी का घर हो, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। तो चलते हैं, देखते हैं फिर। देखिए फ्रेंड्स, ये श्री वटुक भैरव जी हैं और श्री काल का भैरव। बताते हैं यहाँ दीवा जलाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये इनके गुरु जी हैं। गुरु महाराज बलविंदर जी की है ये मंदिर। और ये प्रियतराज सरकार जी हैं, ये देखिए। बालाजी महाराज पर जो भी विशेष सूचना होती है, जो भी कुछ चढ़ाना होता है, चढ़ाने वाले प्रसाद वगैरह के बारे में, मतलब दिया गया, पूरी जानकारी दी गई है प्रसाद वगैरह के बारे में कि शुद्ध देसी घी होना चाहिए, प्रसाद में फल भी चढ़ा सकते हैं, दरबार में चमड़े का सामान कुछ नहीं लाना है, जैसे बेल्ट इत्यादि, और किसी प्रकार का नशा करके भी आप यहाँ दरबार में नहीं आ सकते। और काले काले कपड़े जुराबे न पहन कर आएँ। जुराबे को तो सभी जगह माना जाता है। और आगे आप पढ़ ही रहे हैं, मासिक धर्म में भी, मासिक अवस्था में भी यहाँ शुद्ध होकर ही आना होगा। देखिए पूरी जानकारी दी गई है, जो भी यहाँ के नियम होते हैं। एक ही प्राचीन मंदिर है, ये हमारे पंडित जी हैं। नमस्कार पंडित जी। और कहाँ के पंडित जी आप? यूपी। ये तो अपनी साइड के हैं, यूपी के हैं, कानपुर के हैं। अच्छा, तो पंडित जी यहाँ की थोड़ी विशेषताओं के बारे में बताइए प्लीज। क्या बताऊँगी आपको, मतलब कितना पुराना मंदिर है, थोड़ा दर्शकों को पता चलना चाहिए। मेरे को ये मालूम पड़ा है यहाँ पे जी करीब 15-20 साल हो गए मंदिर। जी जी, अच्छा जी। और यहाँ पे दरबार लगता है जी, कैसा भी कोई संकट, कैसा भी कोई दिक्कत हो किसी को जी, सब परेशानी दूर होती है, सब परेशानी दूर हो जाती है। महाराज जी बैठते हैं यहाँ। अच्छा जी, बहुत अच्छे जी। तो यहाँ जैसे कोई भी मनोकामना होती है वो भी पूर्ण होती है, कैसी भी मनोकामना हो सब पूरी होगी इसकी गारंटी मेरी जी। कहाँ, मतलब काफी दूर दूर से लोग आते होंगे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ आते, चंडीगढ़, अच्छा जी, लुधियाना जी, पठानकोट जी जी, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। अच्छा जी, तो जैसे आप लोग तो यात्रा का भी प्रबंध करते हैं ना? हाँ, आप लोग 4 अगस्त को जाएगी साल में करीब 3। देखिए फ्रेंड्स, 4 अगस्त को भी एक यात्रा जाएगी जो बालाजी मेहंदीपुर बालाजी, मतलब प्रस्थान करेगी मेहंदीपुर बालाजी के लिए। आप देख सकते हैं, और उसका जो भी खर्च है मात्र 2600 रुपये में ही, मतलब पूरा हो जाता है जाने आने का सभी कुछ। और इसकी आरती का समय है शाम 6 बजे, देख सकते हैं आप लोग। और आइए दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के। देखिए प्राचीन मंदिर है ये, मतलब इसकी मान्यता इतनी है कि जो भी कोई व्यक्ति मनोकामना मांगता है वो पूर्ण जरूर होती है। मैं बालाजी महाराज के आगे नतमस्तक होती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जो अपने दर्शनों की कृपा मुझ पर बरसाई। और
प्लीज़ बालाजी महाराज, आप जो भी दर्शक ये चैनल देख रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाइएगा, संकट हरिएगा। जय श्री राम। तो सभी फ्रेंड्स बोलिए जोर से जय श्री राम। तो आगे चलते हैं, माता जी बैठी हैं। आपको यहाँ मूर्ति इतनी अच्छी, इतनी भव्य लगेंगी कि ऐसा लगेगा कि साक्षात यहाँ भगवान उतर कर आ चुके हैं। देखिए ये सबसे स्टार्टिंग में कुबेर महाराज जी बैठे हैं। देखिए ऐसा लगता है कि जैसे वाकई मतलब साक्षात भगवान उतर आए हैं। माता जी शेर पे सवार हुई, अच्छा ये सुधीर महाराज जी जो हैं इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, देहांत हो गया। अच्छा जी, ये गुरु जी हैं इनके, सुधीर महाराज जी के गुरु जी हैं, देख सकते हैं। अब तो गद्दी मिली है इनके बलविंदर महाराज जी के बेटे को मिली है। जो अब इन्हें गद्दी मिली है तो बलविंदर महाराज जी के बेटे को गद्दी मिली है, देख सकते हैं आप। देखिये पूरे को टैल से कवर्ड किया हुआ है, फिनिशिंग देखिए, गर्मियों में हवा की भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए बाहर से आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये मंदिर है इतना मतलब पता ही नहीं चलता कि मंदिर है, हमें भी बहुत दिन में पता चला था हाँ जी, लेकिन मान्यता इतनी है कि दर्शक आ ही जाते हैं। तुलसी जी की भी व्यवस्था की गई है, छोटा मंदिर है लेकिन बहुत अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। और ये मेरी बेटी है मान्यता मांगते हुए, चलिए जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। सर्वप्रथम गणेश महाराज जी, देखिए नंदी जी हैं, और सामने ही काली जी का स्थान है। जय माता दी। आगे श्री कृष्ण और राधा रानी जी हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात दर्शन कर रहे हैं हम, और ऐसा बिल्कुल ऐसा प्रकट होता है कि बिल्कुल अभी बोलेंगे, अभी आशीर्वाद देंगे। देखिए कितनी सुंदरता है। आगे ये लड्डू गोपाल बिठा रखे हैं, जूम करके दिखाती हूँ मैं थोड़ा, ये देखिए ये लड्डू गोपाल है, इनके पास मोर गाय बिठा रखे हैं। आगे विष्णु भगवान जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, देखिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी, और श्री राम माता सीता, तीनों रूप हैं यहाँ पे, मतलब जो रूप सतयुग में था वो भी है, जो रूप द्वापर युग में था वो भी है, और कलयुग का तो आपको पता ही है। अभी बता रहे हैं कि मतलब कल्कि महाराज जी अवतार लेंगे या ले चुके, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। देखिए महाराज जी बिठा रखे हैं, पंडित जी बताएंगे, इनके पास शेर की सवारी है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता, ये कौन से देवता है,
मंगला? अच्छा केला मैया, ये केला मैया और मंगला मैया हैं, ये इनकी सवारी है, देख सकते हैं। जय माँ केला मैया, जय माँ मंगला मैया, सबका मंगल करने वाली। देखिए आप, ओके फ्रेंड्स, ये था हनुमान मंदिर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कृष्णा मंदिर ले चलूँगी मैं आपको, और सावन के प्रथम सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान, ओके बाय।